बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटेट 2024 का आयोजन किया गया है। देखिए, जिन बच्चों को पेपर वन और पेपर टू दोनों में करना हो, चाहे एक करना हो, तो आप इसको अब भर सकते हैं, एसटेट फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता परीक्षा भर सकते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे हैं, क्या क्या चीज़ें मांगे हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क रहेगा, क्या आपका विषय रहेगा, सारी चीज़ें विस्तार से स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे। जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट जो भी है सब कर लें। तो अब देखिए इस पे आ जाइए। अब देखिए लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, इसमें जो भी प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। और इसमें देखिए दूसरे ऑप्शन में लिखा है प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, एक अंक का एक प्रश्न होगा। और इसमें नेगेटिव, खासकर देखिए बहुत अच्छा यह है कि नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं दिया गया। तो अब सेकंड में आइए। सेकंड में देखिए परीक्षा का विषय, परीक्षा देखिए इसमें विषय दिया हुआ है हिंदी उर्दू, देखिए इस विषय लाइन से दिए हुए हैं। सामान्य विषय पहला देख लीजिए, सामान्य विषय इसमें हिंदी उर्दू बंगाली मैथिली संस्कृत अरबी फारसी भोजपुरी अंग्रेजी गणित विषय सामाजिक विज्ञान, इतने विषय दिए हुए हैं। तो इसकी योग्यता के बारे में हम आए, शैक्षिक योग्यता, तो देखिए 50% अंकों के साथ स्नातक या परा स्नातक में आपकी पास होना चाहिए, साथ में बीएड भी हो, मान्यता प्राप्त बीएड के साथ उत्तीर्ण हो, या फिर किसी अन्य विषय में स्नातक या परा स्नातक में कम से कम 45 अंकों के साथ आपका पास हो, पर ये लिया हुआ अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से पात्रता परीक्षा जमा करने के समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंड और मापदंड निर्धारित एवं पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, यदि अब इस नियम के अनुसार आपका अगर हो तो आपका ये आप भर सकते हैं। अब देख लीजिए तीसरा, देखिए शारीरिक शिक्षा दिया हुआ है। दूसरा, इस शारीरिक शिक्षा वाले जो फिजिकल एजुकेशन, वे वैकल्पिक विषय रूप में ये 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातक उपाधि हो तो ये अपेयरिंग इसमें हो सकते हैं। और देखिए इसमें लिखा है 45% वालों को भी इसमें अपेयर किया गया है, अगर 45% हो तो भी इसमें आप अपेयर हो सकते हैं। उसमें नियम शर्त ये हैं कि आपका स्नातक उपाधि तथा एसोसिएट ऑफिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एम इंडियन ओलंपिक एसोसिएट द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का खेल कूद में एथलेटिक्स में सहभागी हो तो आपका हो सकता है। ये देखिए इसमें 3 वर्ष का इसमें मांगा हुआ है, 3 वर्ष का अनुभव मांगा है, 45% के साथ हो और बस 3 वर्ष का अनुभव भी हो तो भी आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। या फिर देखिए नीचे लिया हुआ है 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो तो भी हो सकता है, इसमें कई कैटेगरी दिए हुए हैं। अब देखिए इस नीचे आ जाइए, एक लिस्ट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ स्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए तो आपको ये हो सकता है, ये दिए हुए हैं। इसमें कई कैटेगरियाँ भी हैं, देखिए ये सब लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अथवा BPED पाठ्यक्रम हो तो भी आपका ये हो सकता है, आप एस्टेट भर सकते हैं। ऐसे स्नातक जिसके खेल कूद एथलेटिक्स या विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व किया हो वो भी इसमें भर सकता है, सिर्फ शारीरिक शिक्षा वाले, ठीक। अब नीचे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है ये 13/11/2002 को अधिनियम सूची राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अनुमानता के लिए
मानदाओं के लिए मापदंड एवं मानकों की निर्धारण तथा एवं नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए ये अधिनियम दिया हुआ है। इसमें भी इसके तहत भी आप इसको भर सकते हैं। अब इसके दूसरा आ जाइए, तीसरा आ जाइए, देखिए संगीत विषय। न्यूनतम 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय में किसी भी बोर्ड या संस्थान में संगीत शिक्षा में स्नातक हो, ठीक, अथवा उसके साथ समकक्ष अर्हता हो तो भी आपका ये हो सकता है। मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय अंतिम होगा। मतलब ये प्रशासनिक विभाग इसकी अंतिम निर्णय ले सकता है, ठीक। ये देखिए ललित कला विषय के लिए भी दिया हुआ है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपका स्नातक उपाधि हो तो आप इसको भर सकते हैं। नृत्य विषय खेल डांस का भी दिया हुआ है इसमें, वो भी 50% अंकों के साथ हो तो आप भर सकते हैं। अब नीचे आइए, देखिए वह विशेष विद्यालय अध्यापक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तो आप विशेष विद्यालय अध्यापक भर सकते हैं। विशेष अगर आपके पास भारतीय अनुसंधान परिषद के मान्यता प्राप्त किसी भी बीएड के साथ पुनर्वास परिषद में भी हो तो भी आप भर सकते हैं। अब नीचे आ जाइए, देखिए विषय समूह देखिए क्या लिखा है। गणित विषय समूह इसमें बहुत मायने रखता है। देखिए इसमें गणित विषय के साथ क्या क्या दिया हुआ है। स्नातक में गणित के साथ भौतिकी इलेक्ट्रिक एवं कंप्यूटर साइंस रासायनिक विज्ञान सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पाठ की हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक किसमें गणित की विशेषता हो तो इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक की जो योग्यताएं हैं सम्मिलित इसमें मानी जाएंगी जब तभी जब आपके दो विषय इसमें रहेंगे। तो ऐसे ही देख लीजिए, अब दूसरा विज्ञान का है विषय। विज्ञान में भी देख लीजिए स्नातक स्तर का जंतु विज्ञान प्राणी विज्ञान जो बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान एंड रसायन शास्त्र विषयों में से पठित हूँ तथा इंजीनियरिंग के स्थान में जीवन विज्ञान की विशेषज्ञताएं हूँ। तो आप जैसे कि होता है बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें, इसी के अंतर्गत होंगे। और ये सामाजिक विषय सोशल साइंस स्नातक सामाजिक विषय में देखिए लिखा हुआ इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र में से किन दो विषयों में उत्तीर्ण हो तो आप सामाजिक विषय में अपेयर हो सकते हैं। जैसे आप दिए बाद तीसरा देख लीजिए भाषा के संबंधित विषय। भाषा से संबंधित विषय जैसे हुआ है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा के संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित, जैसे ये दिया हुआ ना विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। शिक्षण एवं शिक्षण के किसी भी उपाधि में माता बिंदु के किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति न हो वो भी। आगे बढ़ के देखिए दूसरा पेपर है, ये दूसरा पेपर का ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं आप इसको देख लीजिएगा। देखिए दूसरे पेपर में भी ये देखिए वो हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत बंगाली मैथिली इसमें भी दिया हुआ। देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक परास्नातक माफ कीजिएगा ये सेकंड पेपर परास्नातक के लिए। तो ये न्यूनतम 50% अंकों के साथ परास्नातक यानी पीजी हो तो आप इसमें अपियर हो सकते हैं और प्लस बीएड भी होना चाहिए। बीएड जरूरी है और इसमें अथवा करके ये भी दिया हुआ है कि आप 45% अंकों के साथ भी हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं। और वो नियम दिया हुआ है कि 2017 के अधिनियम के अनुसार ये होना चाहिए। जैसे इसमें भी दिया हुआ देखिए अगर आपके पास बीएड और बीएससीएड अगर हो तो भी आप इसमें 50% के साथ पीजी हो तो आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। या फिर 55% आपको को साइड सम ग्रेड अगर आपके पास अगर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं।
अब जिसकी वाणिज्य, जैसे आप कॉमर्स वालों को देख लीजिए, कॉमर्स वालों को जो दिया हुआ है वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय परास्नातक हो, वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, कॉमर्स वालों का है। और एक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में देखिए एक चीज़ दिया हुआ है 50% अंकों के साथ, इसमें देखिए बीएड वेट कोई नहीं मांगा है, इसमें सिर्फ एक डिग्री मांगी हुई है, लिखा हुआ इस तरह से AM किसी भी विषय के साथ नाम PG अगर हो तो आपका हो सकता है 50% अंकों के साथ। इसमें लिखा है ये AICTE के मान्यता प्राप्त द्वारा BE कंप्यूटर या BTEC या कोई भी कंप्यूटर हो तो आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। देखिए नीचे एक और दिया हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि पाई हो तो भी आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। आगे आइए, आगे देखिए इसमें लिखा है कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो भी आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, एवं किसी विषय के साथ डिप्लोमा के साथ परास्नातक भी होना जरूरी है। अब नीचे आइए, देखिए कृषि का दिया हुआ है, कृषि कृषि में भी देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका एक जो कृषि का ये दिया हुआ है, प्लांट का हुआ है, जैसे कई इसमें प्लांट से संबंधित जो भी, कृषि से संबंधित जो भी आपकी योग्यताएं हैं परास्नातक वाली वो आपको हो तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं, इसमें BEd की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए संगीत दिया हुआ है, संगीत में भी 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में PG उपाधि ग्रहण की हो तो इसमें आप अपेयर हो सकते हैं। तो आप आगे आगे और आगे देखिए, देखिए आगे क्या दिया गया है, आप समझ ही गए होंगे, इसमें आप 50% अंकों के साथ ही आपका परास्नातक या फर्स्ट पेपर में 50% के साथ स्नातक होना अनिवार्य ही है। अब देखिए ये दिया हुआ है विषय समूह, फिजिक्स में दिया हुआ है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये दिए हुए हैं, केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री दिया हुआ है, इकोनॉमी में देखिए इकोनॉमिक्स दिया हुआ सब्जेक्ट, कॉमर्स में देखिए कॉमर्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है, और बॉटनी जूलॉजी का भी देखिए सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैथ का अलग दिया है ये सब्जेक्ट्स हैं। अब आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहला पेपर जो भी है पेपर 1 के अंतर्गत आने वाले विषयों को विश्वविद्यालय में लागू। आगे देखिए आगे इसमें दिया हुआ है कि पैटर्न आपका कैसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, देखिए 100 अंक के होंगे, 100 अंक का ये हो जाएगा और 50 अंक का शिक्षण कला में हो जाएगा, विषय आपका 100 अंक का होगा, विषय वस्तु 100 अंक का, ये टोटल कुल 150 अंक के आपके मार्क के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नीचे आ जाइए, देखिए अब हम देखते हैं जाति, जैसे अब जो जाति निवास, अब बिहार के जो निवासी होंगे वो अपने जाति निवास जो होगा अपना लगाएंगे, जिस जाति को होंगे जाति लगाएंगे, अगर निवास उनके पास है तो निवास भी लगाएंगे, अगर आपके बिहार से हट के अगर आपका अदर स्टेट है तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना जाति की ना निवास की जरूरत पड़ेगी, वो जनरल में आ जाएंगे, सबको जनरल में किया जाएगा। अब उम्र की छूट देख लिया जाए, उम्र की छूट में सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए ही ये उम्र की छूट दी जाएगी, वैसे जनरल वालों को छूट नहीं दी जाती है, तो आप अदर स्टेट वाले इसमें छूट की अपेक्षा ना करें। तो जो बिहार वालों के लिए वो दिया हुआ है इसमें आपका आरक्षित, आपका जैसे जनरल के लिए 37 साल दिया हुआ है, महिलाओं का 40 साल दिया हुआ है, यही अदर स्टेट के लिए रहेगा, और जो बिहार के निवासियों के लिए है वो आपका 42 साल तक का ही ले सकते हैं। अब इसमें आगे देख लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए 50 अंक 50% अंक जरूरी है,
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 45.5 अंक जरूरी है। अति पिछड़ा वर्गों के लिए 42.5 चाहिए। वैसे तो अदर स्टेट वाले सामान्य में आएंगे जिसमें 50% उनको जरूरी है इसमें लाना, 50% लाना मतलब ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए तो आप इसमें अपेयर हो पाएंगे स्टेट में। आगे देखिए, अगर दिव्यांग अगर हो, दिव्यांग हो या महिला हो, तो 40% अंक पाए रहेंगे तो भी इसमें आप स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, उसके स्टेट के लिए पात्र होंगे। अब देखिए शुल्क दिया हुआ है, एक पेपर अगर आप भरते हैं तो ₹950 सामान्य वर्ग के लिए होगा। अगर दोनों पेपर भरते हैं तो ₹1450 आपके ये रजिस्ट्रेशन फीस होगी। और जो बिहार के निवासी हैं, जाति जिनका लगेगा, उनके लिए कुछ कम हो जाएगा, 750 हो जाएंगे इनके में। अब देखिए आगे देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इस बार। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा की तिथि दी हुई है। देखिए परीक्षा कैसे गई, 150 अवधि दी गई है, अवधि में दिए 150 मिनट के परीक्षा होंगे, इसमें 2 घंटा 30 मिनट की घंटी की जाएगी, यानी 2.5 घंटा आपका ये चलेगा। अभी दिया हुआ देखिए 14-12 को ये 4:30 पे फॉर्म भरना अप्लाई करना के लिए चालू हो चुका है, और ये 2-1 तक आप इसको भर सकते हैं। अब इसकी वेबसाइट भी देखिए लिखी हुई है, ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, आप इस पे जाके इस पे एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। और नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इसकी तीन चरण में फॉर्म भरा जाएगा, जैसे पंजीकरण पहला हो जाएगा, दूसरा फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भुगतान करना। तो ये तीन चरण के बाद ही रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा, और इसमें OTP भी आएगा। देखिए दिखा हुआ है पंजीकरण कैसे कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, OTP जाएगा, OTP द्वारा, बिना OTP के आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, यही मेन चीज़ है। और फॉर्म देखिए, फॉर्म में दिया हुआ है कि मोबाइल में जो पासवर्ड आएगा आपका, उसको आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि वही हर समय यूज़ होगा, आप एग्ज़ाम देंगे तो भी, एडमिट कार्ड निकालेंगे तो भी, और पास कर लेंगे तो भी वो रिजल्ट के लिए। देखिए इसमें दी हुआ फ़ोटो के लिए रिक्वायरमेंट, फोटोग्राफ आपका जो है 20 KB का फ़ोटो होगा, 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और साइन भी आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और फोटो रंगीन फोटो बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, पीछे का जो भी बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद होना चाहिए, और टोपी ओपी ना पहना हो, नॉर्मल होना चाहिए आपका फ़ोटो सीधा। देखिए आगे आ जाइए, ये आपका जो भी भुगतान है वो ऑनलाइन करना है आपको, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू UPI के थ्रू आप कर सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए क्या क्या मांगा है, डॉक्यूमेंट के लिए देखिए प्रमाण पत्र क्या क्या मांगा इसमें, मांगा है मैट्रिक में मैट्रिक का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों मांगा है, इंटर का भी प्रमाण पत्र अंक पत्र दोनों मांगा है, ध्यान दीजिएगा, और स्नातक का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों मांगा है, यानी कि सारी चीज़ों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों आपको लगाने हैं, परास्नातक के भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों ही लगाने हैं, और BEd का भी जो भी है अंक पत्र प्रमाण पत्र तो आप इसको निकलवा लें, अगर नहीं निकलवाएं तो निकलवा लीजिए। और शैक्षिकता के अलावा भी जो होगा आपका निवास जाति बिहार के निवासियों के लिए वो आप अपना लगा लेंगे। अब आगे आ जाइए, आगे देख लीजिए, अब मूल निवास के लिए जो भी दिया हुआ है वो अपना निवास वहाँ पर जरूर लगा लें, अपना बनवा लें जो बिहार के निवासी हैं। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में हमको ये बताएं कि और इसमें क्या क्या कमियाँ हैं उसको दूर किया जा सके।
देखिए इसमें बैंक भी दिया हुआ है, क्या क्या किस किस बैंक से आप करेंगे,